नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपसे UPPSC AE की आने वाली न्यू वैकेंसी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो किसी भी प्रकार के जॉब अपडेट, वैकेंसी अपडेट या रिजल्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल नेटिजन ट्यूटर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि आने वाली कोई भी न्यू अपडेट आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, UPPSC AE यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग है, जहाँ पर लिखा है जल निगम ग्रामीण में AE के 125 पदों पर भर्ती होगी और ये भर्ती आपका UPPSC ही कराएगा और इसी साल आपकी ये वैकेंसी आने वाली है। लेकिन दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें 125 किस ब्रांच में आएंगी, तो ज़्यादा से जो इसमें से वैकेंसीज होंगी वो आपकी सिविल में आने वाली हैं। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में आपको बहुत ही कम वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ये थोड़ा उनकी साइड बैड साइड है कि उनको कम वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, लेकिन सिविल जो कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि आपको ये नोटिफिकेशन किस मंथ में देखने को मिलेगा, तो आपको ये नोटिफिकेशन इस ईयर के लास्ट में या फिर नवंबर में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आपका ये जो अभी फ़िलहाल में प्रोसेस चल रहा है 2021 वाला, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसका इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद आपकी न्यू वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब चलिए, अगर हम रिज़ल्ट की बात करें, आपकी UPPSC AE 2021 के रिज़ल्ट की बात करें, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि 9 सितंबर तक तो उनकी डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट होने हैं, उसके बाद आप उम्मीद लगा सकते हैं कि सितंबर के लास्ट में आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। तो ये हो गए हमारे दोनों पॉइंट्स, आपको वैकेंसी के बारे में बता दिया और रिज़ल्ट के बारे में। जैसे ही कोई और अपडेट मिलती है, हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।